अमित जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर पहुंचना नरेंद्र मोदी का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और फिर वहां पर जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके दिव्य और भव्य स्वरूप को और भव्य बनाने की, या फिर वहां पर जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं जिसका खुद हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं या बहुत मॉनिटरिंग क्लोज वो कर रहे हैं, इन सब के क्या मायने समझे जाए? अमित जी, अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ प्रभु, हरिओम जी। जी, हमसे बात कर रहे हैं? अमित जी से मेरा सवाल है, योगी जी मैं आपके पास आता हूं अभी। अमित जी, एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें आप। अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है, आप एक बार सवाल दोबारा पुनः। जी जी, अमित जी, मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री का पहुंचना केदारनाथ 2017 से लेकर के 2021 तक लगातार कई दौरों को हम लोगों ने देखा, जो बातें प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचकर कहते हैं उसके क्या मायने समझे जाए? आप उसको किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। प्रदेश के सभी लोगों को पहले तो दीपावली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य से कुछ ना कुछ जो मैसेज देते हैं वो बड़ा ही मार्मिक होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए, भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से देखा जाए, हर चीज का उनकी बातों में एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज होता है। और उत्तराखंड के विषय में उनकी पहले से जो आस्था वो बताते भी रहे हैं और दिखाते भी रहे हैं। आप देखेंगे जब 2013 में जब ये आपदा आई थी उनकी, किस तरीके से, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे जी। और उस समय उन्होंने वहां बढ़ चढ़ करके जो है काम कराने में, लोगों को बुलाने में, आपदा प्रबंधन में अपना किस तरीके का रोल प्ले किया था।